पहले मैं वहां अक्सर जाया करता था। सालों पहले, पर अब मैं वहां नहीं जाता। वो जगह मुझे अच्छी लगती थी, वहां कभी कभी वक्त गुजारा जा सकता था। वहां के लोग, हालांकि उम्र में काफी बड़े थे मुझसे, पर वो सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुना करते थे। मैं समझता था कि वो मेरी बात समझते थे। मेरा मतलब मेरी उनसे अच्छी बातचीत होती थी, बस मैं कुछ ज्यादा ही बात किया करता था। फैक्ट्री में भी ऐसा ही था। फैक्ट्री के अंदर या छुट्टी के समय मैं तमाम चीजों पर बात किया करता था। बोलो, मैं जब भी जो भी बोलता था बहुत ध्यान से सुनते थे। वैसे तो सब ठीक था, दिक्कत सिर्फ ये थी कि मुझे एक तरह के दौरे पड़ने लगे। नहीं, दौरे भी नहीं, दरअसल मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं हर चीज को देख सकता हूं, साफ समझ सकता हूं। मेरे लिए हर चीज बिल्कुल साफ थी। मुझे लगता था हर चीज बिल्कुल साधारण और साफ। लेकिन शायद मैं गलत था। हो सकता है किसी ने इस बारे में कुछ कहा हो, हालांकि मुझे कुछ भी पता नहीं था। हो सकता है कुछ झूठ बयानी भी की गई हो, और ये झूठ चलता रहा। मुझे लगने लगा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उस फैक्ट्री में, उस कॉफी हाउस में, मैं इस बात को समझ ही नहीं सका। और फिर वो लोग मुझे एक अस्पताल ले गए, मुझे वहां डाल दिया गया। मैं खुद से वहां कभी नहीं जाना चाहता था, और मैंने कई बार वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान तो था नहीं। वो लोग वहां मुझसे तरह तरह के सवाल पूछते थे, हर तरह के सवाल। मैंने उन्हें जवाब दिए। उन्होंने जब भी जो भी जानना चाहा, मैंने उन्हें अपने विचार बताए। फिर एक दिन वो डॉक्टर, जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, उसने मुझे अंदर बुलाया और उसी ने मुझे बताया कि मुझे कुछ हुआ है। उसने मुझे बताया कि कुछ हुआ है, कोई गड़बड़ी है। उसने बस ये बताया कि क्या बोला था वो मुझे ठीक से याद नहीं। बस मुझे इतना याद है कि उसने कहा कि हम तुम्हारे दिमाग का कुछ करने जा रहे हैं। अगर तुम्हारा इलाज नहीं किया गया तो तुम जिंदगी भर यहीं रहोगे, और अगर इलाज होता है तो तुम्हारे ठीक होने का चांस है, और तब तुम यहां से जा सकते हो। मैंने पूछा उनसे, किस तरह का इलाज करना चाहते हैं आप? लेकिन उन्होंने वही सब बातें फिर से दोहरा दी। अब वैसे मैं कोई बच्चा तो था नहीं, ना ही मैं मूर्ख था। मुझे पता था कि मैं नाबालिग हूं, लेकिन मेरी पेरेंट्स की इजाजत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। मुझे मालूम था कि उनको मेरी माँ से इजाजत लेनी ही पड़ेगी, इसलिए मैंने अपनी माँ को लिखा जो वो लोग मेरे साथ करना चाहते थे। मुझे तो तब पता चला जब उसने मुझे वो दस्तखत दिखाए।
एक हफ्ते बाद उन्होंने वार्ड में आना शुरू किया और मेरे दिमाग के साथ भी वही सब किया। उस जगह पर जितने भी लोग थे उन सबके साथ वही होना था। वो लोग आते थे और एक समय में सिर्फ एक का इलाज करते थे, केवल रात में। पता नहीं वो लोग अपने साथ क्या लाते थे, बहुत अजीबोगरीब तरह का सामान। वो लोग दो बड़े बड़े हैंडल लाते थे जिनमें से तार लगे हुए होते थे जो एक मशीन से जाकर जुड़े थे। ये इलेक्ट्रिक मशीन थी। फिर वो लोग एक आदमी को जकड़ कर बिठा देते थे और फिर वो चीफ मतलब वही सबसे बड़ा डॉक्टर, वो उस ईयरफोन को उसकी कनपटी पर दोनों तरफ लगाता था और वो आदमी जो मशीन पकड़े खड़ा रहता था वो उसे चालू कर देता था और डॉक्टर ईयरफोन को दबाता था और दबोचे रखता था। हड्डी में कुछ हुआ था, वो सब ठीक था।
मैं कुछ कुछ सोच नहीं पाता था, ना कुछ समझ पाता था। मैं अपनी सोच की कड़ी नहीं मिला पाता था। मैं काफी अच्छा महसूस करता हूं, पर अब मैं किसी से बात नहीं करता। मैं लोगों से मिलता नहीं हूं। मैं भीड़ भाड़ वाली रेस्टोरेंट जैसी जगहों से किनारा कर लेता हूं। मैं वहां कभी नहीं जाता, ना मैं किसी से बात करता हूं, नहीं जाता। हालांकि कभी कभी मेरे दिमाग में आता रहा कि मैं वापस जाकर उस आदमी को पकड़ूं जिसने मेरे साथ ये सब किया। चाहता हूं।